हॉलीवुड को जब भी किसी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना होता है तब उनकी पहली पसंद होती है स्पेस शटल। भले ही उसने 10 सालों से कोई भी उड़ान ना भरी हो लेकिन हॉलीवुड को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूवी वर्जन में एक चीज हमेशा गलत दिखाई जाती है, वो ये कि स्पेस शटल सीधा स्पेस में गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और एक ये भी कि ड्रॉप टैंक यानी ये पीला पतीला गिराने के बाद भी उसके इंजन पहले की तरह चालू थे, जबकि असल में स्पेस शटल नीचे की ओर था जब वो स्पेस में गया था और उसके इंजन ड्रॉप टैंक गिराने के बाद बंद हो चुके थे। और तो और इसे गलत दिखाने का कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि मूनफॉल, आर्मागेड और रोजर द स्पेस शटल ये सभी मूवीज स्पेस शटल लॉन्च के बाद में बनी थी। लेकिन एक अकेली मूवी जिसमें इन चीजों को सही दिखाया गया है वो है मूनरेकर। और कमाल की बात तो ये है कि ये मूवी असली स्पेस शटल लॉन्च से पहले बनी थी। ऐसी और भी अमेजिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।